वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज वायु भी आपके साथ कर रहा है वेलकम। तो आज का ब्लॉग कुछ स्पेशल है। आज की ब्लॉग में आपको हमारा डेली रूटीन नहीं दिखेगा। आज वायु जा रहा है अपनी किसी स्पेशल वाली आंटी को स्वीट देने। क्या कर रही हूँ? अरे कुछ नहीं, आज वायु जाएगा। कहाँ जाएगा? वो स्वीट देने, एक स्पेशल पर्सन है उसको स्वीट देने। बस डाउट ये लग रहा है जैपनीज स्वीट खाएंगे कि नहीं। बिल्कुल खाएंगे, खा लेंगे। ये तो सफिशियंट, ज्यादा नहीं दे रही क्योंकि डाउट है। तो गाइस देखिए, इंडियन स्वीट है। होली पर बहुत सारी स्वीट आई थी। ये स्वीट कहाँ से आई? इंडियन, ये इंडिया से है। मेरी सासू माँ ने भेजा है। होली पर काफी सामान आया था उसी में। ये लेटेगा, बट इसकी मैं बिछा दूं। इसकी भी मैट्रेस है। सब कुछ सूट करना पड़ता है, बस ले आओ। लेके आओ, गो। वायु जा रहा है एक स्पेशल अपनी आंटी को स्वीट देने। लेट्स गो वायु, आज तो पापा के साथ घूमी घूमी। तो गाइस बने रहिए ब्लॉग में, ब्लॉग छोड़कर कहीं मत जाइएगा। आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ वायु अपने पापा के साथ, बच्चे खेल रहे हैं छोटे छोटे। ऐसे यहाँ जैपनीज बच्चे खेलते हुए। वहाँ मेरा जैपनीज गुड्डा अपने पापा के साथ। नीनू आ रही है क्या? अच्छा नहीं लग रहा? अच्छा लग रहा है क्या? बता दो, सबको बता दो। हाँ देखिए गाइस, अपनी यहाँ पे जो संतरे वाली टॉफी मिलती थी वो यहाँ मिल रही है। ये संतरे वाली, हाँ बचपन में बहुत खाई थी मैंने। स्वीट दे दो आंटी को, दे दो गुड्डा, गुड्डा दे दो आंटी को। इंडियन इंडियन स्वीट है। तो गाइज आपने देखा, मुझे अपनी आंटी रिटर्न गिफ्ट में लेकर आई थी बाबू के लिए स्ट्रॉबेरी, क्योंकि मैंने उनको इंडियन स्वीट दी थी। ये कल्चर यहाँ पे चलता है, टिफोट हेड वाला। तो एक्चुअली मैंने उनको इंडियन स्वीट क्यों दी, इसके ये एक रीज़न है। मैं यहाँ आती थी, यहाँ फ्रूट्स लेने आती थी, तो वो मुझे चॉकलेट देती थी। उनको पता था कि मैं प्रेगनेंट हूँ, दिखता ही था, तो वो मुझे कुछ ज़्यादा ही पैम्पर करती थी। एंड पैम्पर करने के साथ साथ मुझे चॉकलेट्स भी देती थी। वायु ने बहुत चॉकलेट खाई है आंटी से, तो मुझे लगा स्वीट्स भी हैं और वो काफ़ी हम्बल भी थी मेरे साथ, तो क्यों ना वायु की स्वीट्स उनको देनी चाहिए। तो गाइस मेरी हो गई है सब्जी ख़त्म। हम मैं जा रही हूँ सब्जी लेने। आपको दिखाती हूँ यहाँ पर सब्जी कहाँ मिलती है, कैसे मिलती है, क्या रेट है। वायु उठा है नहीं जाता है गोदी में। चलो प्रेम में बैठ जाओ। लो पापा इसको प्रेम में डालो। अभी मैं आ चुकी हूँ कैंडू। कैंडू में घर से रिलेटेड होम डेकोरेशन, आई मीन जो घर में यूज होती हैं वो चीज़ें बहुत अच्छी मिलती हैं, बहुत ही किफ़ायती रेट पर काफ़ी अच्छी मिलती हैं। गाइस आ चुके हैं हम यहाँ एक और सुपरमार्केट में। इसके अंदर है कैंडू। कैंडू में ना ये सी वेट दिखा देती हूँ आपको।
कैन डू। यहाँ पे घर से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं काफ़ी अच्छे रेट में, बहुत वैरायटी वैरायटी मिलती है। वो वायु और उसके पापा चले गए हैं पहले ही, मैं रह गई पीछे। तो गाइस कैंडू में हम आ चुके हैं, सामने ही है, दिखाती हूँ आपको। वायु उसके पापा मुझे मिल गए, पीछे हैं। आई थिंक हम लेट हो गए शायद। क्रॉकरी यहाँ बहुत अच्छी मिलती है। मेरा कप, जो कप आप मेरा देखते हुए, वो मैं यहीं से ले गई थी। क्रॉकरी अभी मेरे पास काफ़ी है, अभी मुझे उसकी नीड नहीं है। तो जिसकी मुझे नीड है पहले मैं वो ले लेती हूँ। गाइस मैंने अभी इससे पूछा लेंट रिमूवर मुझे चाहिए था, इन्होंने नो बोल दिया। सो गाइस हो गया है पोपट, मुझे चाहिए था लेंट रिमूवर, वो यहाँ है नहीं। अब क्या करें, ये देखिए यहाँ गिफ्ट आइटम्स बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं। केज है, कितना प्यारा है। तो गाइस जो रूम स्लीपर मैं पहनती हूँ आपने देखा, वो मैंने यहाँ से लिए हैं। मुझे जो लेंट रिमूवर चाहिए था उसको शायद जैपनीज में कुछ और कहते हैं, तो समझ में नहीं आ पा रहा है। यहाँ ये अपने फ़ोन में जैपनीज में टाइप कर रहे हैं, तो हम उसको शो करके फिर पूछेंगे सामने से। यहीं से पूछो, कंफ्यूज हो गया। हाँ नो लिंट लिंट तो केतामा तोरी वा मेकर सान नो फोर दे सेइजो शिते नाई नो दे ज़ाइको गा नाई इन देस यो। नो जापानीज, इंग्लिश। नो नो ओके या ओके सॉरी नहीं है। यहाँ लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। मैंने उसको इंग्लिश में पूछा लेंट रिमूवर, तो वो नहीं समझ पा रही थी। फिर जापनीज़ में उसको ट्रांसलेट करके दिया तो वो समझ पाई, तो उसने कहा नहीं है। लेंट रिमूवर होता है रूएँ, जो कपड़ों पर हल्के हल्के रूएँ आते हैं वो। मुझे रूए वाले कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं है, और मोस्टली आ ही जाते हैं क्योंकि मैं सेम कपड़े पहन के सो भी जाती हूँ। मैं केयर ज़्यादा करती रही हूँ, लेकिन मुझे फिर भी रूएँ पसंद नहीं है, तो उसके लिए मुझे चाहिए था, नहीं है। नेक्स्ट टाइम किसी दिन डायसो में जाऊंगी, डायसो भी बहुत बड़ा मार्ट है सेम लाइक दिस। वहाँ भी घर की बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं घर से रिलेटेड, तो किसी दिन डायसो में जाऊंगी तो वहाँ से लेकर आऊंगी, वहाँ ज़रूर मिलेगा। ये दो वाइपर घर के यूज़ के लिए, एक चाहिए किचन के लिए, एक चाहिए टॉयलेट के लिए, ख़राब हो गए थे। हाँ, जो देखिए गाइस यहाँ वो इंडिया में भी मिलता है,
अगर आपका चिप्स का पैकेट ऐसे खुला रहता है तो उसको ये बाय हीट पता नहीं कैसे चिपकाता है, उसको सील कर देता है। ठीक है, बैटरी है इसमें। अच्छा, हीट कितना होगा? बाय हीट अच्छा है, वो ट्राई कर सकते। मैं बार बार यहाँ आती हूँ फिर भी यहाँ से निकल जाती हूँ। मुझे क्रॉकरीज लेना, क्रॉकरी यूज़ करना बहुत पसंद है। तो नींद तो नहीं है बट फिर भी मुझे ये बहुत पसंद आया, ऑथेंटिक जैपनीज। क्या ये भी अच्छा लग रहा है, कौन सा लूँ? ये मेड इन जापान है, ये सी मेड इन जापान हम जापान का लेंगे। ये सुंदर भी लग रहा है, एक ले लूँ दो? ठीक है, एक क्या दो तो ये मैंने दो ले लेती हूँ गाइस। हाँ, टॉयलेट क्लीनर एक ही चाहिए, डिटर्जेंट वॉश वही है ना, किचन डिटर्जेंट गाइस। यहाँ सीट्स हैं, सीट्स मतलब वही बीच। यहाँ मैं देखती हूँ अगर तुलसी के बीज मिलेंगे तो मुझे तुलसी का एक पौधा लगाना है। तुलसी का बीज है क्या? नहीं, तुलसी का नहीं है। गाइस जो सामान लेना था मैंने ले लिया, बहुत कुछ नहीं लेना था, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। मैं जस्ट आपको दिखाने आई थी, मैं तो आंटी से मिलने आई थी एक्चुअली। आंटी ने बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हुई थी बाय कैमरा, बट वो बहुत स्वीट है। सही, ये कैंडू वहाँ उस स्टोर के पास में जिस बगल में, इसलिए आपको दिखाने के लिए तस्वीर आ गई। दिखाया मैंने कुछ नहीं क्योंकि मुझे खुद ऑड लग रहा है, बिलिंग कराती हूँ सामने से। क्या है देखिए, ये सामने यहाँ बिल्कुल प्लास्टिक यहाँ बिल कर रही हैं, पैसे दे दिए। कितना हुआ, कितना हुआ है? 775 हो गया है। क्या लिया मैंने 775 में? ओके, ये इसने उसको रैप करने के लिए दिया है आई थिंक। यहाँ मेरा आँखा सो गया है, सामान मैं प्लास्टिक में डाल देती हूँ। मैं बिल एक और बार आपको दिखा देती हूँ, बिल हुआ है 1000 रुपीज़ दिए थे, 225 मुझे चेंज दिया है और जो बिल है वो है ये था 775। सामान मैंने क्या लिया है, दो वाइपर हैं और एक किचन डिटर्जेंट, चिप्स पोटैटो चिप्स को पैकेट होते हैं जो प्लास्टिक वाले, उनको सील करने के लिए, और ये बॉल मैंने एक ही लिया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं मेरे हस्बैंड वहाँ से आ रहे हैं। एक्चुअली मुझे हम बांग्लादेशी एक फैमिली मिली थी, यहीं रहते हैं मेरी बिल्डिंग के सामने वाली इस बिल्डिंग में, सो बातचीत हुई। एक्चुअली सेम लैंग्वेज रहती है तो कंफर्टेबल भी होते हैं बात करने में। दोनों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया और वो वीडियो में आने के लिए कंफर्टेबल नहीं थी, तो घर जाते हैं। ओके, मैं हो गई हमको रात, पहुँचते हो गए हम लेट, वाइफ सो गया, उसको बहुत अच्छे से कवर किया है, टेंशन मत लीजिएगा आप कोई भी। बॉल देख रहे हैं, इसका रेट मैं आपको दिखा देती हूँ, 330। तो गाइस सामान जो चाहिए था वो ले लिया है, अब निकलते हैं घर। बच्चा मेरा सो गया है, आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही, कल मिलते हैं फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। बहुत ज़्यादा थक गए हैं, बाय बाय। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और नहीं भी पसंद आया हो तभी भी सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए।